तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खूब सारा पैसा है। ये कबीर भी उठ चुका है आज रात भर खास तरह, क्योंकि इसको खांसी और सर्दी हो रही है। और कल रात को हमने होम्योपैथी की दवाई भी दी और टिमनिक भी पिलाई। आज सुबह भी होम्योपैथी की दवाई दे चुका हूँ मैं। और ये बड़ा आजकल कैमरे को लेकर एक्साइटेड होने लगा है, यानी बचपन से ब्लॉगर बनेगा ये, ऐसा लग रहा है। ये देखिए, बिल्कुल आने के लिए तैयार है वो मेरे पास। आ जाओ आ जाओ, भी आ जाओ। हाँ, सो गाइज, धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज डेफिनेटली शॉपिंग का दिन है, तो खूब सारी आप शॉपिंग कर रहे हैं, खूब सारा आपके घर में मंगलमय हो। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हाँ, तो देखते हैं आज क्या क्या करते हैं। कभी तुम कुछ बोलना चाहोगे? बोलना चाहोगे? ऐसे ही देखते रहोगे? ऐसे ही? हाँ, क्या? हाँ, ओहो, ये क्या कर रहे हो? अच्छा, तो यहाँ अभी चल रही है घर की फाइनल सफाई और सेटिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ चेंज, जिससे घर में थोड़ा सा चेंज फील हो और नयापन सा लगे। सो गाइस, पूरे घर का ये सारा सेटअप हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। कबीर ने पूरी मदद की मेरी, अभी और चल रहा है लगातार। आप देख सकते हैं कबीर पूरे घर में साइकिल घुमाता है और फिर गिर जाती तो ऐसे आता है करते हुए, करते हुए। ये उठा ली कबीर ने, वेरी गुड। मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये सेफ्टी लॉक हम लोग लेके आए। ये कबीर हर जगह आजकल कोई भी सामान बचने नहीं देता, तो ये हमने ड्रेसिंग टेबल पे लगाया। ये आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ा प्यारा है और ईजी है। सेफ्टी लॉक ऑलरेडी हमारे घर में और भी लगे हैं, ये देख सकते हैं यहाँ लगे हैं, बट ये डिफरेंट टाइप का है, ये फ्लेक्सिबल है। सो गाइस, कबीरों में तैयार हो चुके हैं, सभी जा रहे हैं हम लोग शॉपिंग करने। आज धनतेरस है तो कुछ शॉपिंग हो जाए, कुछ बहुत सारे गिफ्ट भी लेने हैं, तो करते हैं चलिए शॉपिंग की शुरुआत। हाय गाइस, सो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ एंड सुबह से मैंने व्लॉग नहीं करा है, सो हैप्पी धनतेरस एवरीवन। अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेने और आज तो धनतेरस है तो मेन शॉपिंग करने जा रहे हैं। सारे पूजा का सामान वगैरह आज ही लेंगे और देखते हैं चांदी का या कुछ बर्तन वगैरह लेना है एक आध, वो भी देख लेंगे। तो जो जो लेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे। तो शॉपिंग की शुरुआत सबसे पहले हमने करी है गिफ्ट्स लेके, इसके बाद धनतेरस के लिए ली है भगोनी और यहाँ पर बिलिंग हो रही है सारे गिफ्ट्स की। और इतना सामान लेने के बाद हमें मिला है ये थैला फ्री में। हाय गाइस, सो हम लोग घर पर आ चुके थे 10:30 बजे। घूमने जरूर बाहर आज डिनर किया, मैंने घर पे आके डिनर किया। हाँ, मेरी बाहर खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हाँ, तो मैंने थोड़ा बहुत बाहर ही खा लिया और काफी ज्यादा शॉपिंग करी है। व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि इतना ज्यादा रश था कि सामान पकड़े, कबीर को पकड़े या व्लॉग बनाए, पागल हो गए। इतना सारा और सामान इतना था, रश इतना क्राउड था, ओवर क्राउडेड कि निकलने की जगह नहीं थी। कुछ ऐसे मार्केट में तो धनतेरस के लिए मैंने आपको दिखाई, मैंने भगोनी ली है एक और एक चांदी की एक फिश ली है, मछली ली है मैंने, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। और क्योंकि मैंने अभी उस पर गंगा जल वगैरह लगा के और भगवान के वहाँ पे रख दिया है, मैंने भगवान के मंदिर में रख दिया है, रख दिया है ऑलरेडी। हाँ, और भगोनी भी रख दी। क्या बात है, गजब। झाड़ू, और आज झाड़ू लाते हैं गाइस, तो मैंने झाड़ू भी ली है। वो जो चीजें धनतेरस पे लेनी चाहिए वो है झाड़ू, नमक, शक्कर, धनिया लेना था, धनिया रह गया यार, चलो ठीक है कल ले लेंगे। तो ये सब ले लिया हमने। सो गाइस, हमने धनतेरस पे जो गरीब लोग लेते हैं वो सारे आइटम ले लिए, अमीरों के आइटम नहीं लिए। क्या कहना चाहते, क्योंकि अमीर लोग क्या लेते हैं आपको पता है, अमीर लोग कार लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, बहुत सारा घर लेते हैं, रजिस्ट्रिया कराते हैं मकानों की। तो आज रूपम ने सुबह एक रील भेज दी, मुझे बड़ी जबरदस्त रील लगी कि अमीर लोग क्या लेते हैं, गरीब लोग क्या लेते हैं धनतेरस पे। तो वाकई मुझे फील हुआ कि हम वही ले रहे हैं जो गरीब लोग ले रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना, ठीक है, नो इशू। हाँ, तो वो भी टाइम आएगा। हाँ, तो बट इसको भी लेंगे, यानी अमीरों के आइटम तो लो, बट ये आइटम तो लेना जरूरी है, कंपलसरी, ये तो जरूरी है बहुत ज्यादा। तो ये सब ले लिए हैं आइटम, तो बस अब सब कुछ हो गया, सब सेटअप वगैरह करेंगे। और लास्टली
आज धनतेरस है तो आज जलता है यम का दिया, तो बस अब हम लोग जलाएंगे यम का दिया। क्या प्रोसेस होता है यम के दिए की, कुछ बताएंगे आप? उसमें यही होता है कि बस सब जो भी घर में है वो सब जो मेंबर्स हैं वो घर के अंदर हो जाने चाहिए, और फिर ये दिया जो है आटे का दिया होता है, आटे का दिया जलाते हैं, उसमें चार वो सरसों का तेल डालते हैं, उसमें खील डालते हैं, काले तिल डाल देते हैं, और ऐसी मतलब जो जो मेल होता है वो घर का मेल जो होता है, या किसी किसी के यहाँ फीमेल्स भी होती हैं, या जो भी घर का बड़ा होता है, हाँ जो भी घर का बड़ा होता है वो जलाता है। यम के दिए से होता क्या है? यम का दिया बस कि यमराज अभी एक साल और क्योंकि शादी के पहले मुझे यम का दिए का बिल्कुल नहीं पता था, ये रूपम ने ही बताया यम का दिए जलाते, तब से हम लोग यम का दिए जला रहे हैं। बहुत स्टडी करती रहती है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, यानी कुछ ना कुछ स्टडी करती रहती कि कैसे सारी चीज़ें और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करती रहती, तो बड़ा अच्छा लगता है इसके आने से। डेफिनेटली हर साल दिवाली बहुत अच्छी मनती है। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बड़े दिए, एक तेल का और एक घी का, और यहाँ पर लिए हैं ये छोटे दिए, ये एक्सटेंशन बोर्ड, ये सरसों का तेल, और ये छोटी झाड़ू, और यहाँ पर है लक्ष्मी गणेश जी। इसके बाद लिया है कुछ खाना, गुजिया और काजू कतली वगैरह बनाने का सामान जो मम्मी घर पर बनाने वाली हैं, और ये है भगोनी जो मैंने पहले भी दिखाई है, ये शक्कर और ये नमक और ये झाड़ू। इसके बाद ली है बेड शीट्स दो टाइप की, और कुछ डोरमैट्स लिए हैं। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल यानी कि नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय गाइस।